और अब बात करेंगे गुजरात के रण की, क्योंकि प्रचार थम गया है लेकिन जुबानी जंग अब भी जारी है। गुजरात में दूसरे दौर के मतदान से पहले प्रचार अभियान थम गया। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां अपना आखिरी दांव आज चलती हुई नजर आई। जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी देश की सुरक्षा के लिए देश की समृद्धि में बाधक है, बैरियर है, उसको फांसी पर डाल दीजिए। डर के आगे जीते, कांग्रेस के लोगों को बताना चाह रहा हूं, हमारी जबान के सामने तुम गूंगे बन जाओगे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुजरात के दूसरे और आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गज गुजरात के चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर चुके हैं। प्रचार के जरिए प्रहार का दौर थम चुका है लेकिन अब बारी जनता की है। 5 दिसंबर के उनके मतदान से सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। हर पार्टी को गुजरात चुनाव में अपनी जीत दिखाई दे रही है। कोशिश तो करेंगे, चाहे कोशिश तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे काफी अच्छी कोशिश की है हमें पार्टी ने। राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को, सभी धर्म के नागरिकों को एक समान कानून, एक समान हक मिले, उसमें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को क्या दुख है वो जाहिर करें लोगों के सामने आके। हमने लोगों के हित में ये निर्णय लिया है। एक बात सुनो कांग्रेस के लोगों, तुम जो है ना मेरे मुकाबले के भी काबिल नहीं हो। आपको बता दें, दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और बीजेपी के बड़े और युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में होने के बाद गुजरात का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन दूसरे चरण की 6 ऐसी सीटें हैं जहां सबकी नजर है। परिसीमन के बाद सरखेज विधानसभा क्षेत्र से अलग होकर घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया है। यहां पाटीदार मतदाताओं का दबदबा है। आपको बता दें कि यहां भूपेंद्र पटेल का मुकाबला राज्यसभा सांसद अमी याग्निक से है। मणिनगर विधानसभा सीट 1990 से बीजेपी का गढ़ रही है। पीएम मोदी यहां से 2002-2007 में चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी अमूल भाई भट्ट पर है। गोधरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,79,000 मतदाता है और उनमें से 72,000 मुस्लिम है। बीजेपी के लिए ये सीट चुनौतियों से भरी है। यहां कांग्रेस की स्मिताबेन दुष्यंत सिंह चौहान, आम आदमी पार्टी के राजेश पटेल राजू, बीजेपी के सीके राहुल जी और एआईएमआईएम के मुफ्ती हसन कचबा अपने किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहां नाक की लड़ाई है, जबकि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। यहां से बीजेपी के युवा नेता हार्दिक पटेल मैदान में है। मेहसाणा, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के इस चुनाव में न लड़ने के बावजूद वे मेहसाणा निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में प्रमुखता से शामिल हैं। देखना यह है कि उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। गांधीनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश निवासी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। यहां भी सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। 8 दिसंबर को किस उम्मीदवार की उम्मीद टूटेगी, किसकी जीत की उम्मीद पूरी होगी, बस 4 दिन की बात है। नतीजे सब साफ कर देंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।